हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूं एक और शानदार सेशन जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है आपका, और ये सेशन हमारा फिजिक्स में एक बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली आपको संधारित्र के बारे में। जैसा कि आप पिछले स्टार्टिंग के लेक्चर में जो हमने स्टार्टिंग के एक दो तीन चार लेक्चर जो कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम लोग संधारित्र नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत में हमने चारों लेक्चर करा हुआ है, और चारों लेक्चर के अंदर में हमने क्या पढ़ा है, धारिता के बारे में पढ़ा है। धारिता के बारे में पढ़ा है स्टार्टिंग में हमने, धारिता के बारे में पढ़ा, फिर उसमें एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसमें कैसे धारिता चेंज करती है, उसकी क्या कंसेप्ट होते हैं, वो सब हमने स्टार्टिंग के दो तीन लेक्चर में कवर कर रखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र नामक चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इस कंसेप्ट को सीख गए तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि धारिता में संधारित्र जो है आपको काम कैसे करता है, कैसे कैपेसिटर आपका वर्क करता है, उसकी क्या ये होती है, उसकी यूज क्या होती है, हम लोग उसको सीखेंगे आज। ठीक है, और धारिता को बनाते कैसे, कैपेसिटर को मतलब बनाते कैसे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आपको आवेश को बेसिकली क्या कर सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ रखा हुआ आपने कि धारिता जो होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, तो आज हम लोग उसको पूरे विस्तृत तरीके से उसको और क्या करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, उसको पूरे अच्छे तरीके से और पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको हर टाइम टाइम टू टाइम मिल सके। मैं डेली सुबह में प्रीमायर क्लासेस के अंतर्गत लाइव आता हूँ, जहाँ पे आप मेरे से लाइव जुड़कर और लाइव अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग संधारित्र का कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास संधारित्र का कंसेप्ट आज हमारा टॉपिक है और इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और पीछे बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा है धारिता के बारे में हमने क्या पढ़ रखा हुआ है। धारिता मैंने बताया था कि धारिता जो होती है किसी भी चालक की धारिता जो होती है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। धारिता को हम किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, और सी जो होता है वो क्या होता है, धारिता जो होती है आपको सी क्या होती है, हम लोग पढ़ रखे हैं क्यू बराबर होता है सी भी, तो सी क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाय भी हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, आवेश अपॉन विभव, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, किसी भी चालक को अगर आवेश देते हैं तो उसमें क्या होता है आप जानते हैं, किसी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, और विभव उत्पन्न होता है तो विभव उत्पन्न होगा तो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, धारिता जरूर होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। आपको जनरल भाषा में आप जानते हैं कि कोई भी चालक की धारिता जो होती है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, अच्छा अगर यहां से एक चीज देखा जाए, अगर हम क्या करें क्यू को क्या करें, नियत कर दें, क्यू को क्या करते हैं, नियत कर दे। नियत करने का मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया क्यू बराबर क्या है, कांस्टेंट है, क्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर है। ठीक है, तो क्यू जो है हमारा चेंज नहीं कर रहा है, मतलब किसी चालक के लिए आवेश जो है वो बदल नहीं रहा है, तो अगर क्यू चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा आपका, जरा देखिएगा यहाँ पे, तो सी जो हो जाएगा, क्यू हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, तो सी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/v के, नहीं होगा। अगर हम q को नियत रखते हुए क्या करते हैं, धारिता को चेंज करना चाहते हैं, q को क्या, q को यानी आवेश को नियत रखते हुए अगर धारिता को चेंज करना चाहते हैं तो आपका टर्म क्या बनेगा, c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, अगर अगर किसी चालक की धारिता, ये हमारा कंसेप्ट बना c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/v। अगर हम कहते हैं किसी चालक की धारिता अधिक है, किसी चालक की धारिता ज्यादा है, यानी उसका विभव क्या है, कम है। अगर हम किसी चालक के विभव को कम करेंगे, बेसिकली सिंपल सोचे तो चालक के अगर विभव को हम कम करेंगे, यानी हमने कम किया चालक के विभव को, तो किस इस चालक की धारिता क्या होगी, धारिता आपकी बढ़ने लगेगी। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र नामक टॉपिक, और संधारित्र को इसी कंसेप्ट के जरिए हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए पहले आप इसे हल्की हल्की जो हमने अगर आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं तो इसे हल्का सा नोट कर लें, ठीक है। ये आपकी धारिता होती है C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना, और Q बराबर क्या होता है CV, ये भी आप जानते हैं, ये भी एक हमारा फॉर्मूला ही है, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, Q को नियत कर दें, अगर Q को नियत कर देते हैं तो Q क्या हो जाएगा आपका, Q हमारा हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी Q जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो C जो होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी क्या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसके, V के। यानी अगर किसी चालक का विभव कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, धारिता उसकी बढ़ जाएगी। पहले नोट कर ले, फिर हम बात करते हैं इससे आगे के कंसेप्ट को। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, Q को नियत रखा हूं, Q को नियत रखकर किसको बदल रहे हैं, V को, क्या करते हैं Q को नियत रखकर हम V को बदलेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी आपकी धारिता में परिवर्तन आएगा। तो हम इसलिए यहां लिख देते हैं Q को नियत रखकर V को बदलते हैं, V को बदलते हैं, ठीक है। तो Q को नियत रखकर अगर V को बदलेंगे तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आया, क्या आया था, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका विभव कमेगा तो धारिता आपकी बढ़ जाएगी, ये आपका कंसेप्ट बनेगा यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं जरा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास एक प्लेट है, संधारित्र जो होता है आपको, और संधारित्र हम बनाने का प्रयास करते हैं, संधारित्र कैसा होता है, कैसे उसका कंसेप्ट काम करता है। तो हमने एक लिया, एक प्लेट है जो क्या है आपका पॉजिटिव है, ये आपका प्लेट जो है आपका क्या है प्लस चार्ज से आवेशित है, और इस पे प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है। एक प्लेट है हमारे पास जिस प्लेट पे क्या है प्लस का क्यू आवेश है, अच्छा, और ये क्या है चार्ज्ड है, यानी प्लस का क्यू आवेश है, यानी इससे प्लस चार्ज से आवेशित है, ठीक है। एक दूसरा प्लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा प्लेट है, और दूसरा प्लेट जो है हमारे पास क्या है, ये उदासीन है, ये क्या है आपके पास उदासीन है, ये दूसरा वाला प्लेट जो है हमारे पास क्या है उदासीन है। उदासीन का मतलब आप समझते हैं, उदासीन मतलब उसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, चार्ज है प्लस और माइनस चार्ज है, लेकिन उसमें क्या है दोनों समान मात्रा में, इसलिए उसमें दिखाया नहीं जाता कि हाँ ये प्लस है या माइनस है। तो हमने एक लिया प्लस चार्ज और एक दूसरा लिया उदासीन, प्लस चार्ज से आवेशित प्लेट और दूसरा लिया हमने उदासीन प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जानते हैं आप कि प्लस चार्ज की जो खासियत होती है वो क्या होती है, ठीक है, प्लस चार्ज की खासियत क्या होती है, अगर दो एक प्लस हो और एक माइनस हो या फिर प्लस हो, ठीक है, आप जानते हैं प्लस को जो है और एक माइनस है और प्लस है, ये हमारे इस प्लेट के अंदर में, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है इस प्लेट के अंदर में, और दोनों क्या है प्लेट में बराबर है, और एक दूसरा प्लेट जो है इस प्लस प्लेट के अंदर में केवल और केवल प्लस है। तो ये प्लस की खासियत होती है कि क्या करता है अपने तरफ किसको खींचता है, माइनस को ये अपने तरफ खींचता है। प्लस की खासियत क्या होती है, इसकी खास बात होती है कि प्लस वाला जो है माइनस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो है यहाँ पे जो प्लस चार्ज से आवेशित प्लेट है, इसमें का जो प्लस और माइनस वाला चार्ज होगा उसको क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा ना, तो अपनी ओर ये आकर्षित करेगा। तो जरा देखेंगे क्या होने वाला है, हम इसको अगले स्टेज में लेके चलते हैं। अगला स्टेज यहाँ पे क्या बनेगा, अगला स्टेज जो है ये हमारे पास है, ये प्लस का क्यू है, ये रहा आपके पास प्लस का क्यू, ठीक है, ये हमारा प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है। अच्छा, और अगला वाला प्लेट हमारे पास यही ना था, ये हमारे पास अगला वाला प्लेट था, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा प्लेट था। अब ये दूसरा प्लेट था क्या, अब यहां समझेंगे, इसमें प्लस था और इसमें प्लस और माइनस दोनों सेम ही था, ठीक है। तो ये प्लस वाला इसमें के प्लस माइनस को क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो माइनस किधर आ जाएगा, माइनस वाला जो है आपका इस साइड में आ जाएगा, यानी माइनस आपका देख रहे हैं कि इधर आने लगा, सारा का सारा माइनस जो है इस अनावेशित चालक का ये सब इधर आने लगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस आपका इस साइड में आ जाएगा, आ जाएगा, ये पूरा माइनस आपका इस इलाके में आ गया, है ना। अच्छा, क्लियर है, ये हमारा माइनस है, ठीक है, चलेंगे, कोई दिक्कत यहां तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहां से कि संधारित्र जो है बनता कैसे है। प्लस वाले ने क्या किया, इसमें के उदासीन वाले के माइनस को अपनी तरफ खींच लिया। अब एक और कंसेप्ट होता है प्लस वाले का
कि प्लस वाले के साथ क्या करता है, धक्का करता है। बेसिकली क्या करता है, ये इसको क्या करता है, दूर भेजना चाहता है। ये इसको क्या करेगा, इसे अपने से दूर भेजना चाहेगा। तो दूर भेजना चाहेगा तो ये प्लस वाला इसमें के प्लस को क्या करेगा, दूर देगा। माइनस को तो इसने अटैक कर लिया, लेकिन प्लस को क्या कर देगा, प्लस को ये अपने से दूर धक्का देगा, है कि नहीं। ये आपका प्लस आ जाएगा इधर के साइड, यानी प्लेट के दूसरी तरफ आपका आ गया कौन सा, प्लस चार्ज। इधर आया माइनस का क्यू और इधर आ गया आपका प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखते हैं जरा क्या होता है। अब हमने माना क्या, ये जो प्लेट है हमारे पास, अगर मान लेते हैं प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, ये दो प्लेट है हमारे पास अलग अलग। तो प्लेट ए जो है, इस प्लेट ए का, प्लेट ए का विभव हमने माना कि प्लेट ए का विभव क्या दिया है, बड़ा भी दिया है, ठीक है ना। प्लेट ए का विभव दिया है प्लस, प्लस का भी है, वैसे क्या है, बड़ा भी है, ठीक है, प्लस भी हमने माना हुआ है। इस उदासीन प्लेट का कोई विभव नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, अब जब ये प्लेट हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया, इसमें के माइनस को अपनी ओर अटैक किया, इसने माइनस को अटैक कर लिया और प्लस को अपने से दूर धक्का दे दिया, धक्का दे दिया। अच्छा, इसका विभव कितना है हमारे पास, प्लस का भी। ये आपका विभव है, ठीक है, ये आपका विभव है हमारे पास प्लस का भी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जानते होंगे कि प्लस और माइनस, अब इसका तो विभव भी है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इस प्लस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न करेगा ना। ये माइनस वाला भी, इसका भी तो कुछ ना कुछ विभव होगा। माइनस वाला क्या है, माइनस वाला भी तो आवेश ही है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ विभव होगा। तो आप जानते हैं किसी भी माइनस आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, माइनस का भी होता है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका भी विभव होगा, लेकिन कितना विभव होगा, इसका विभव जो होगा वो भी माइनस होगा। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं भी माइनस, यानी इस माइनस के कारण इस प्लस पर विभव कितना होगा, माइनस का भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस वाला है जो इससे माइनस से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है, मतलब यहां से देखा जाए तो प्लेट की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा दूर है। तो ये वाला भी तो कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न करेगा, तो ये वाला भी इस प्लस पे विभव उत्पन्न करेगा। तो ये प्लस वाला, तो प्लस के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, तो प्लस के कारण जो विभव होगा वो होगा भी का प्लस होगा ना, ये भी का क्या होगा, आपका प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझे जरा, यहां से इन दोनों के बीच कितना है गैप, इन दोनों के बीच क्या है, गैप है हमारे पास, देखा जाए तो डी गैप है, दूरी है इसके बीच में डी है, कुछ दूरियां है दोनों प्लेटों के बीच में, थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। तभी तो हमने कहा कि ये माइनस वाला इस प्लस वाले पे विभव उत्पन्न करेगा माइनस का भी, और ये प्लस वाला विभव उत्पन्न करेगा प्लस का भी, ठीक है। ये दोनों का हमने विभव लिख दिया। स्टार्टिंग में इस चालक का विभव था कितना, प्लस का भी था, है ना। तो अगर हम बात करें नेट विभव की, यानी अगर ये चालक हमने बनाया है, इस चालक की वजह से इसमें कुछ आवेश आया है और इसमें माइनस आया, इधर प्लस आया, तो इसका पूरा नेट अगर बोले कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल जो विभव होगा वो कितना होगा, जब हम ये धारिता बना रहे हैं, ये हमने संधारित बना रहा है, संधारित जो बना रहे हैं हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका पूरा नेट विभव जो होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं नेट विभव। तो नेट विभव जो है जरा देखिएगा कितना होगा, पहले इसका विभव कितना था, प्लस का भी, तो ये आपका भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस माइनस के कारण विभव कितना होगा, माइनस का भी, यानी इसको जोड़ देंगे हम क्या, भी माइनस, है कि नहीं, इसका विभव माइनस का भी, तो भी माइनस, ठीक है। इस प्लस के कारण विभव कितना था, प्लस का भी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस का भी आपका हो जाएगा, यानी भी प्लस। अब एक चीज और समझेंगे, अब ये भी माइनस क्या होगा, अब कभी भी आवेश जो बेसिकली यहाँ पे विभव जो होगा माइनस के कारण, विभव आपने पढ़ा है कि क्यू आवेश के कारण विभव जो होता है क्या होता है, क्यू आवेश के कारण विभव क्या होता है, भी इक्वल टू क्यू बाय 4πε0r होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा किसी बिंदु पर, क्यू आवेश कारण विभव होता है क्यू बाय 4πε0r। लेकिन अगर माइनस क्यू आवेश है तो ये क्या होगा, माइनस का क्यू, यानी विभव भी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे जो हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग माइनस, ठीक है, यानी भी माइनस और प्लस का भी, इस माइनस के कारण विभव भी का माइनस, इस प्लस के कारण विभव भी का प्लस। अच्छा, अब ये इस कॉम्बिनेशन में हुआ क्या, अब हम एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को एक एग्जैक्ट डाटा मान के आपको समझाते हैं। अगर हम मान ले, क्या मान ले, अगर ये स्टार्टिंग में जो हमने भी माना है विभव, तो इसको हम मान लेते हैं ये विभव कितना था, 10 वोल्ट था। जरा समझिएगा, ये विभव कितना था, विभव हमारे पास 10 वोल्ट था, मान लिया हमने कि विभव 10 वोल्ट था, ठीक है।
अच्छा, यानी ये आपके पास 10 वोल्ट है, तो हम नेट निकालेंगे, भी नेट भी निकालेंगे, जरा समझेंगे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। भी नेट निकालेंगे, विभव हमारे पास क्या था, माना है हमने 10 वोल्ट मान लिया, ठीक है, तो ये बड़ा वाला भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, इस माइनस के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा, तो हम मान लेते हैं इस माइनस के कारण विभव जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 3 वोल्ट होगा, ठीक है, ये 3 वोल्ट होगा, माइनस का 3 वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इस प्लस के कारण भी तो कुछ ना भी कुछ विभव हुआ, वो कितना है, प्लस का भी, तो दूरी बढ़ने के कारण विभव में कुछ कमी आएगी, भी दूरी बढ़ी है बेसिकली, ये दोनों आपस में क्या है, क्लोज है, और ये थोड़ी सी क्या है, दूर है, तो दूरी बढ़ने के कारण विभव में कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, मान लेते हैं विभव थोड़ा सा कम हुआ, ये 2 वोल्ट का विभव आया, ठीक है, ये 2 वोल्ट का विभव आया, तो नेट विभव कितना हो जाएगा, ये 10 का, ये माइनस का 3 का, और ये प्लस का कितना, 2 का, तो 10 2 12 और कितना हो जाएगा, माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। यानी आप देख रहे हैं कि जब हम किसी आवेशित चालक के पास में कोई दूसरा अनावेशित चालक लेकर आ रहे हैं, तो उसको पास में लाने के कारण क्या होगा, इसमें का कुछ विभव ट्रांसफर हो गया किसमें, अनावेशित चालक में, यानी विभव में क्या हो गई, कमी आ गई, यही विभव में कमी क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली आपको धारिता के मान को बढ़ा देती है, यानी विभव में कमी हुई तो क्या हो जाएगी, आपकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसको और हम आगे इलेबोरेट करेंगे और फाइनल इसका फिगर बनाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट रूप से बताएंगे कि विभव में और कितनी कमी की जा सकती है। होगा क्या, यहाँ पे हमने बताया आपको कि प्लस के कारण, इस माइनस और प्लस के कारण विभव में कितनी कमी आई, बेसिकली विभव कितना उत्पन्न हुआ, माइनस का 3 वोल्ट मान लिया हमने, इसमें कमी कितना, विभव कितना उत्पन्न हुआ, प्लस का 2 वोल्ट, स्टार्टिंग में हमने माना अपने से कि ये 10 वोल्ट का था, ये 3 वोल्ट माइनस वाला और तो 2 वोल्ट प्लस वाला, यानी कितना हो गया, 9 वोल्ट, स्टार्टिंग में हमारा था कितना, पूरा का पूरा 10 वोल्ट था, कम कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया, यानी 1 वोल्ट की क्या हो गई, कमी आई ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होगा, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस, ये जो प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ये जो प्लेट है, जब हम इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से यानी धरती से जब इसमें एक वायर के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे, यानी उसको क्या कहते हैं, भूधृत करना कहते हैं, यानी उसको अर्थेड कर देंगे, यानी अर्थ से जोड़ देंगे, तो इसमें का जो प्लस वाला है, इधर वाला हिस्सा, वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, पूरा का पूरा आपको धरती में चला जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, माइनस वाला, यानी धारिता कितनी हो जाएगी, ये प्लस वाला हट जाएगा, तो 10 टोटल था पहले और इसमें से 3 माइनस होगा, यानी कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट का हो जाएगा, तो धारिता में और भी तो ज्यादा, सॉरी धारिता नहीं, बेसिकली विभव में तो और ज्यादा कमी आ जाएगी ना, तो विभव में बेसिकली बहुत ज्यादा कमी आ गई, यानी कितनी कमी आई, 3 वोल्ट की कमी आई, और इसमें कमी जो है वही कहलाती है आपकी क्या, उसमें धारिता में क्या हो जाएगी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और यही कंसेप्ट जो होता है आपका संधारित्र का होगा। तो सबसे पहले आप इसे आराम से समझते हुए नोट करें, आई होप इसको सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसे पहले नोट कर लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ और इसे हम बना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम लोग संधारित्र नामक आपका कंसेप्ट, ठीक है, उसको मतलब बनाएंगे कि संधारित्र जो होगा आपको होगा कैसा, ठीक है। अच्छा, देखिए दरअसल हमने अभी बनाया आपको एक प्लेट था हमारे पास, ये हमारे पास एक प्लेट था, ठीक है, ये प्लस का क्यू था, चलेगा, ये प्लस का क्यू था, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू था, ठीक है, दूसरा प्लेट हमारे पास था जिसको हमने बताया क्या, इस इधर साइड में प्लस, इधर साइड आपका प्लस और इधर साइड में क्या था आपका, माइनस था, ठीक है, ये आपका माइनस का क्यू था, है ना, ये माइनस का क्यू और इधर वाला प्लस का क्यू, ठीक है। अच्छा, अब संधारित्र नामक जो हमारा बनता है संधारित्र, जो कैसे बनता है जरा समझेंगे, इसको हम क्या करेंगे ना, ये वाला प्लेट जो है हमारा, ये इस प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे, भूधृत कर देंगे, इसको हम भूधृत कर देंगे, यानी इसको हम अर्थ से कनेक्टेड कर देंगे, यानी पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इसके बीच में गैप कितना था आपका, गैप जो था आपका टोटल डी था, है कि नहीं, हमने इसको कर दिया पृथ्वी से कनेक्टेड, यानी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दूसरे प्लेट को प्लेट बी, ये हमारा प्लेट कौन सा था, ए था, ये प्लेट हमारे पास क्या था, बी था, लिख देते हैं प्लेट बी को अर्थेड, अर्थेड या फिर इसको बोलते हैं क्या, भूधृत, भूधृत, अर्थेड या फिर भूधृत करने पर, ठीक है, अर्थेड या फिर भूधृत करने पर, अब भूधृत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक क्या है, एक तरह से आपको बेसिकली क्या है, न्यूट्रल माना जाता है जनरली, लेकिन उसमें क्या होता है,
उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, वो भी एक आवेशित गोला ही है कि नहीं। तो उसमें प्लस और माइनस दोनों विद्यमान होता है। जब उसमें क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसको अर्थ से जोड़ेंगे, ये प्लेट को जब अर्थ से जोड़ेंगे तो पृथ्वी के अंदर का जो माइनस वाला हिस्सा होगा इस प्लस को क्या करेगा, अपने अंदर समा लेगा, यानी अपने अंदर इसको अर्थ टाल लेगा, ठीक है ना, यानी उसको कवर कर लेगा अपने एरिया में, ठीक है। तो प्लस वाला चला गया कहां पे, ये पूरा का पूरा प्लस चला गया पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अच्छा, प्लस वाला पूरा चला गया पृथ्वी के अंदर, तो आगे क्या बनेगा, ये आपके पास बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा आपके सामने यहां पे, ये प्लस है ना, ये वाला प्लस का प्लेट, ये प्लस का क्यू हो जाएगा, और दूसरा जो आपका बच जाएगा प्लेट, तो वो सिर्फ बच जाएगा केवल और केवल कौन सा, ये माइनस का प्लेट, ये केवल और केवल कौन बच जाएगा, माइनस वाला, यानी प्लस वाला आपका कहां चला गया, प्लस वाला आपका चला गया पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो ये केवल यहां पे बच जाएगा माइनस का क्यू, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी युक्ति जो होगी, ये पूरी की पूरी जो युक्ति हमारे पास बनेगी, यही पूरी की पूरी युक्ति जो है ये कहलाती है आपकी संधारित्र, ठीक है। ये कहलाती है आपकी क्या, संधारित्र नामक आपका जो कंसेप्ट बनता है ये आपकी कहलाती है संधारित्र। यानी बेसिकली क्या, संधारित्र में क्या होगा, एक प्लेट जो होगा आपका प्लस वाला होगा और दूसरा प्लेट क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। तो आप जरा देख ले इस संधारित्र का सिंबल कैसे होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, फॉर्मूला आपको परिभाषा के साथ साथ सारी चीजें। ये आपका हो गया प्लेट, ये आपका एक हो गया हमारा कौन सा, प्लेट ए है ना, और ये प्लेट बी। एक वाला एक प्लेट जो होता है वो प्लस का क्यू होता है, दूसरा प्लेट जो होता है आपका माइनस का क्यू होता है। यानी जो हमने बनाया युक्ति वो आपका यही वाला युक्ति बनेगा, और यही सिंबल कहलाता है आपको संधारित्र का सिंबल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, प्लस में स्टार्टिंग हमने बताया था आपको कि प्लस में यह इसका विभव कितना था, 10 का वोल्ट था, है ना, 10 वोल्ट था। अब इसका प्लस वाला जो विभव था वो कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया, यानी टोटल वी नेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, वी नेट की बात करें तो 10 वोल्ट और माइनस इसका कितना वोल्ट हमने लिया था, 3 वोल्ट, यानी बचा कितना, 7 वोल्ट। यानी विभव में ज्यादा मात्रा में क्या हुई, कमी हुई, और यही विभव में कमी क्या बढ़ा देती है, धारिता के मान को बढ़ा देती है। तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने बना है ये है आपका संधारित्र, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम इसके परिभाषा पे आते हैं और इसकी परिभाषा को पूरा डिटेल्स में इसको एलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे क्लास को से जुड़कर आनंद ले सके हमारी क्लासेस का। आप जानते हैं मेरे क्लास पे, यानी मेरे चैनल के अंदर, मेरे चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आपको बेसिक से हाई लेवल पर, जहां पे आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे आपको फिगर के माध्यम से। जनरली मेरी आपको यहाँ पे खासियत मिलेगी आपको मेरे थ्रू कि आपको सारी चीजें जनरली फिगर के थ्रू आपको समझाई जाएगी। फिगर से क्या होगा कि आपको सारी चीजें जितनी भी बातें होंगी आपको दिमाग में जाके छप जाएगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्त भी आपके और मेरे चैनल से जुड़ सके और वीडियो से आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और वहां से वीडियो का आनंद ले सके। तो इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अब इसका हम लोग परिभाषा क्या होगा, इसकी डिफिनिशन, संधारित्र को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हमने संधारित्र कैसे बनता है ये आपको समझा दिया है, ठीक है। तो उसी से संबंधित आपका इसका डिफिनिशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका संधारित्र रहा जिसमें एक साइड आपका प्लस होगा, दूसरे साइड क्या होगा आपका माइनस होगा। एक प्लेट है जिसका एक प्लेट होगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा होगा निगेटिव प्लेट, ठीक है। और ये पूरा कंसेप्ट कहलाएगा आपका संधारित्र। ये हमारे पास बना दिया हमने इसको, ए और बी दो हमारे पास प्लेट है, पहला प्लेट क्या है प्लस का क्यूब है, दूसरा प्लेट क्या है माइनस का क्यूब हमारे पास है। तो ये इसकी सिंबल होती है, ये हमारी क्या होगी, सिंबल होगी। कभी भी संधारित्र जो आपको बना होगा आपको ऐसे बना होगा, नहीं तो आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डिफिनेशन हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा हुआ एक पॉइंट है, संधारित्र में एक पॉजिटिव वाला प्लेट होता है, यानी क्या धनात्मक प्लेट होता है, और एक निगेटिव वाला प्लेट होता है, यानी एक ऋणात्मक प्लेट होता है, किसमें, संधारित्र के अंदर में। अच्छा, आगे हमने लिखा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब क्या कि हमारा चालक जो था, देखो दोनों का साइज सेम ही है ना, उसके साइज में कोई वृद्धि कमी वैसी नहीं किया हमने, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, उसके चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखते हुए, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि क्यू हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्यू हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं। आपका आवेश क्या था, कॉन्स्टेंट है यानी अचर था,
तो चाल आवेश को नियत रखकर विभव के मान में क्या करते हैं, कमी करके धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। तो विभव के मान में कमी करके क्या कर सकते हैं हम लोग, विभव के मान में कमी करके हम लोग जो हमारा विभव है, बेसिकली हमने बताया था क्या कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भी, यानी अगर विभव के मान में कमी होगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये आपका स्टार्टिंग कंसेप्ट था, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि आवेश को नियंत्रित रखकर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है, यही आपका होता है संधारित्र का कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे आगे दूसरा देखेंगे कि आपका पॉइंट, संधारित्र को किसी आवेशी चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक को लाकर बना सकते हैं। मतलब संधारित्र कैसे बना सकते हैं, तो संधारित्र को किसी चालक के निकट, ये एक चालक था, उसके निकट कोई दूसरा चालक ऐसा लेके आए जो क्या हो, अर्थेड हो, यानी वो पृथ्वी से कनेक्टेड हो, तो उसका जो प्लस वाला होगा वो कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, और उसका क्या बच जाएगा, एक माइनस वाला प्लेट आपके पास बच जाएगा। और ये जो युक्ति होगी, ये जो हमारा पूरा का पूरा ये आपका जो बनेगा, हमारा सिस्टम बनेगा, वो आपका कहलाएगा क्या, संधारित्र। तो ये है आपका डिफिनेशन और कंसेप्ट, आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं, पर बता चुका है क्या कंसेप्ट होता है कि बेसिकली इसमें करते क्या है, किसी भी तरह से हम ऐसा काम करते हैं जिससे क्या हो जाए, विभव के मान में कमी आ जाए, कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो जाए, विभव के मान में कमी हो जाए। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट नहीं, बेसिकली आप समझते हैं ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि विभव कम हो जाए, है ना। तो विभव ऐसा कम हो जाए, तो विभव कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी, और धारिता के मान में वृद्धि ही करके हम क्या करेंगे, संधारित्र को बनाएंगे, जिससे क्या हो, हमको ज्यादा से ज्यादा आवेश क्या हो जाए, उसमें कंजम्पशन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा आवेश जो है ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका संधारित्र का कंसेप्ट। आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो तीनों बेसिकली हमारे पास संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी प्रकारों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, अगर आपको अच्छा लगे, आपका सारा कंसेप्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको मैं बता दूं कि सुबह मॉर्निंग में मैं आपके साथ प्रीमायर क्लास के अंदर में लाइव सेशन में जुड़ता हूं, और उसमें आप लाइव सेशन में आपको कमेंट भी कर सकते हैं, और वहां से डायरेक्टली अपने सवालों का आंसर ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।